हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक धमाकेदार जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है SSC की तरफ से, यानी कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से। GD की नई भर्ती आई है, यानी जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल की भर्ती आ चुकी है फॉर बम्पर नंबर ऑफ पोस्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड सारी ही डिटेल्स के ऊपर। तो इससे पहले, अगर आप चाहते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना, एग्जाम का पैटर्न या सिलेबस डिटेल में आप समझना चाहते हो, तो सभी चीजें आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिलेगी। और नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि बम्पर पोस्ट के लिए भर्ती आ चुकी है। टोटल पोस्ट है 39,881, यानी कि 39,881 पोस्ट रहेगा। इन पोस्ट को ना फोर्सेस वाइज डिवाइड किया गया, मतलब कि ये जो आपका आर्म्ड फोर्सेस होती है उसके अंतर्गत कॉन्स्टेबल का पद निकल के आया है। टोटल 8 फोर्सेस के लिए आपकी भर्ती आई है। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 15,654 पोस्ट रहेगा। CRPF के लिए 11,541 यानी 11,541। असम राइफल्स के लिए 1,248। ITBP के लिए 3,017। SSB यानी जो आपका सशस्त्र सीमा बल होता है, उसके लिए 819 होगा। CISF के लिए 7,145, यानी कि आपका 7,145 CISF के लिए है। और इस बार एक जो फोर्स है एक्स्ट्रा है NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर भी इस बार वैकेंसी आई है 22 यानी टोटल 22 पोस्ट के लिए। लास्टली SSF में क्या है आपका 35। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, आर्म्ड फोर्सेस वाइज आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन था। बट अभी हम देखेंगे कि मेल के लिए क्या सीट है और फीमेल के लिए क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मेल्स के लिए आपका 35,612 यानी 35,612 पद है। फीमेल्स यानी कि जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 3,869, 4,000 के अप्रॉक्स फीमेल्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो आपका आया है 40,000 के अप्रॉक्स, बट मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बाद में जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा उसके बाद, या फिर अभी ही आपका सीट इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वैकेंसी ना आपका सीट वेकेंट है। तो फिलहाल के लिए इतना है, बट सीट इंक्रीज किया जाएगा इन फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड बाकी की बेसिक डिटेल्स को। सबसे पहले बता दूं कि व्हाट इज़ द अप्लाई डेट। अप्लाई आपका ऑनलाइन होता है, तो ये ऑलरेडी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर से, यानी कि 5 सितंबर से ऑनलाइन हो रहा है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 14 अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। फॉर्म फी की बात करें, जनरल OBC और EWS के मेल कैंडिडेट से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जाता है। वहीं पर जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है या फिर फीमेल, मतलब सभी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट, इन लोगों से कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। और साथ ही साथ SC ST वाले बच्चों का भी फ़ी एग्जेम्प्टेड होता है। फिर बात करते हैं एज की लिमिट के ऊपर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि वॉट इज़ द कट ऑफ डेट फॉर एज। एज ऑन 1st of January 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी एज की गणना की जाएगी। 18 वर्ष से 23 वर्ष के सभी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, मीन्स कि 18 to 23 years। साथ ही साथ अपर एज में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फॉर OBC कैंडिडेट द रिलैक्सेशन इज 3 years एंड फॉर SC ST इट इज 5 years। मतलब कि जो OBC है उनको 3 साल का छूट है और जो SC ST है उनको 5 साल का। क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने 10th पास कर रखा है, 10वीं पास हो आप। डजंट मैटर व्हाट इज़ योर परसेंटेज इन 10th क्लास, ओनली फॉर पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट के ऊपर,
कि इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा। तो फ्रेंड्स पहले तो ऐसा बताया गया था कि दिसंबर और जनवरी में पेपर होगा, बट अभी जब रिलीज किया गया है इसका नोटिफिकेशन, वैकेंसी आउट हुई है, तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एज का कट ऑफ डेट देख सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम डेट पहले दिसंबर और जनवरी में होता, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा समय मिल पाएगा तैयारी करने के लिए, 1 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपका पेपर अब जनवरी टू फरवरी में होगा, आपको जनवरी लेके चलना है, उस समय तक आपको अपना टारगेट पूरा कर लेना है, अपना सिलेबस कम्प्लीट करना है और फिजिकल की तैयारी भी लगे हाथों कर लेनी है, ठीक है। तो ये था बेसिक जानकारी। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, मींस कि किन किन स्टेज से पास होने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा और आपको अपनी एक पोस्ट ज्वाइन कराई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर 4 स्टेज रहने वाली है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पास करना है। उसके बाद फिजिकल होता है, PET एंड PST बोथ होते हैं इसमें, मतलब कि स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा फिजिकल और उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। आपका लंबाई चौड़ाई सब नापा जाएगा और साथ ही साथ आपकी शारीरिक क्षमता को भी देखी जाएगी, शारीरिक मापदंड भी होगा। और उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर बेसिक सा मेडिकल होगा, उसके बाद आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम जानेंगे इसके विषय में इन डिटेल्स। तो पहले स्टेज पर क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, वो भी ऑनलाइन। तो एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चंस यानी कि 80 प्रश्न होते हैं फॉर 160 यानी 160 नंबर के लिए, विच मीन्स कि पर क्वेश्चन आपको 2 यानी 2 नंबर मिलते हैं। 80 × 2 क्या होता है, 160 होता है। तो फिर उसके लिए टाइम जो होता है ना, 2 आवर्स यानी 2 घंटे का टोटल समय आपको दिया जाता है परीक्षा के लिए। निगेटिव मार्किंग 1/2, मतलब 0.50 की निगेटिव मार्किंग होगी। सो वी अवेयर, जब आप आंसर टिक करोगे तो बिल्कुल सोच समझ के टिक करना है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपका क्या है, रीजनिंग से 20 यानी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS करेंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप जानते होंगे उससे 20 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। तो ये है आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। और जब एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हो ना, तब आपका फिजिकल कराया जाता है। तो फिजिकल का आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स फिजिकल में आपका मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले आपका हाइट मेजर होता है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170-170 है मिनिमम आपका यहाँ पर हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर में। ST मेल के लिए 162.5 यानी 162.5 होना चाहिए। फीमेल्स के लिए जो है 157 यानी 157 सेंटीमीटर है। जो ST कैटेगरी की फीमेल्स है ना, उनके लिए 150 यानी 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट कैलकुलेशन होता है, तो 80-85 सेंटीमीटर नॉर्मली है, 80 से 85, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा। और जो ST कैटेगरी के मेल है उनके लिए 76-81 यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद रनिंग होती है, तो चलिए उसको बता देती हूँ। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर्स की रनिंग होती है जो कि उनको 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होती है, 8.5 यानी 8.5 मिनट में उनको कंप्लीट करना होता है। तो दिस इज़ योर ओवरऑल फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें क्वालिफाई करते ही आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद बेसिक मेडिकल करा के आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो बात रही कि ज्वाइन आप कहाँ पे करोगे, तो आपकी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए निकली है, तो आप जिस भी आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करोगे उसके थ्रू आपको जहाँ पे भी सर्विस अलॉट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी आपको सर्व करना पड़ सकता है। सर्विस के ड्यूरेशन में आपको सैलरी क्या मिलती है, चलिए मैं बता देती हूँ। NCB के लिए आपको 18,000 से स्टार्टिंग होती है, आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस आपकी सैलरी इंक्रीज करके 56,900 कर दी जाती है। अदर पोस्ट के लिए 21,700 से शुरुआत है एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस आपकी सैलरी 69,100 हो जाती है। बट मेरी बात माने तो ये क्या होता है, आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी आपको सैलरी 35,000 to 40,000 रहता है, बाद में और भी सैलरी बढ़ते बढ़ते up to 90,000 तक जाना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा कुछ आपसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह कुछ टफ मांगा नहीं गया, सिंपली 10th pass out बच्चे अप्लाई करेंगे। तो तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कर लीजिए।
तो आई होप कि इससे रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल्स आप समझ चुके होंगे। अब भी कुछ डाउट है तो नो वरीज, आप यहाँ पर कमेंट करके अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारे न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।